लक्ष्मणगढ़ के हरसाना में 7 माह की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना कल देर रात शाम की है। वारदात का पता चलने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हालांकि दुष्कर्म आरोपी पिंटू भराड़ा को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर 7 माह की दूध मोही बच्ची को गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया। घटना के अनुसार पीड़िता का पिता काम पर गया हुआ था और मां अपनी बच्ची को नेत्रहीन जेठानी के पास छोड़कर पानी भरने गई थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक पिंटू भराड़ा आया और बच्ची को गोद से छीन कर ले गया। महिला नेत्रहीन होने के चलते उसे पहचान नहीं पाई। पिंटू बच्ची को एक जोहड़ के पास ले गया और दुष्कर्म किया और बच्ची को चिल्लाता हुआ छोड़कर भाग गया। उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक दुकानदार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और ग्रामीणों को सूचना देकर पुलिस को बुलाया। कुछ ग्रामीणों ने पिंटू को लड़की को उठाकर ले जाते हुए देखा था। उसके बाद ग्रामीणों ने उसे गांव में ही दबोच लिया और पुलिस को सौंपा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और बच्ची अलवर सामान्य अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के हाल जानने के लिए जिला कलेक्टर भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स को पूरी निगरानी और सही ढंग से इलाज करने के निर्देश दिए। इसी दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण एएसपी मूल सिंह राणा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। हरसाना गांव है, थाना लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत। वहां पर कल शाम को करीबन 8:45 बजे के करीब एक पिंटू नाम का एक व्यक्ति अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार के साथ उनके घर में गया, शराब पी हुए था और 8 महीने की अबोध बच्ची को खिलाने के बहाने अपने गोदी में उसने गोदी में ले लिया और लेकर के उसको बाहर मोहल्ले में आ गया। मोहल्ले से फिर वो उसके गांव के बाहर ले आया और उसके साथ में कुकर्म करने का प्रयास किया और लोगों को पता चली कि बच्ची को कहाँ ले गया तो गए तो वो उसको बच्ची को छोड़ के भाग गया। लड़की के साथ में उसने दर्दी की करने का प्रयास किया। लड़की घायल अवस्था में परिजनों ने और लोगों ने बचा ली और वो सर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसको रात बाद में उसको गिरफ्तार किया। अभी आप बच्ची से मिले, कैसी स्थिति है बच्ची की? बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर है। बच्ची थोड़ी सी इंजर्ड है, बाकी खतरे से बाहर है। अब सर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सर उसने गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो भी है सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और बच्ची के परिजनों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जो भी आर्थिक सहायता दी जानी है वो तत्काल दी जाएगी। उधर घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक टीकाराम जूली भी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के हाल जाने। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं पर सरकार को घेरा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बच्ची को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले, फांसी हो, बलात्कारियों को फांसी हो। 4 वर्षों में पुलिस पे कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या? इस प्रकार का दरिंदगी जिले के अंदर हो रही है और पुलिस सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई। पुलिस का काम होना चाहिए जनता के बीच में रहे। आज कोई डर कोई भय है? 3-3 चैने कल अलवर के अंदर स्नेचिंग हुई है। क्या कहाँ थी पुलिस? महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? वो लोग कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे? आज इस प्रकार की घटना हो रही है। घटना होने के बाद पुलिस किसी को पकड़े तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। घटना होने से पहले रोके तब तो इसका काम है। आज इस प्रकार का हालत पैदा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा अलवर पुलिस के ऊपर कि अलवर पुलिस सबसे भ्रष्ट है पूरे राजस्थान के अंदर। यहाँ के अधिकारी निकम्मे हो चुके हैं, इन्होंने अपने पेट बढ़ा लिए और पूरे जिले के अंदर जिस प्रकार से ये पैसे खा रहे हैं, घूस खा रहे हैं, भ्रष्टाचार को इन्होंने चरम पे पहुंचा दिया अलवर के अंदर। अगर ये यही इनके कारनामे रहे तो कांग्रेस पार्टी इनका इलाज करना भी जानती है। और ये भी ध्यान में रखें कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आ रही है। आम जनता ने अपना रुझान कांग्रेस के पक्ष में दे दिया है और जिस प्रकार के काम ये अलवर में कर रहे हैं, अगर ये बाज नहीं आए तो फिर हमें आगे का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने संज्ञान लेते हुए अलवर एसपी से बात की और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है, जो हुई है इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म। ये एक विकृत मानसिकता की पराकाष्ठा है जिसके लिए हम त्वरित एक्शन ले रहे हैं। आयोग की तरफ से हमने प्रसंज्ञान ही नहीं, एसपी साहब से बात करके निर्देश भी दे दिए हैं। आरोपी के साथ में जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी और पूरे राज्य में हम पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठकर और इसके बारे में जांच करेंगे और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिस इज़ वेरी शेमफुल
आयोग अपनी तरफ से पूरा कार्य करेगा, कहीं पर भी ढिलाई नहीं छोड़ेगा।